याद उन दिनों की जब भाई तुम्हारा एट्थ में था, ठीक है। अपन हमेशा से रहे बैक बेंचर, ठीक है भाई, मोबाइल वोबाइल नीचे रख दे भाई, मोमेंट एंजॉय कर ले, मोमेंट एंजॉय कर ले। तेरे को ये वीडियो देखने का किसी ना किसी ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला है। मेरे से ज्यादा मेरे चीज के वीडियो दूसरों के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिलेंगे तुमको, टेंशन मत लो। तो बात उन दिनों की है जब अपन एट्थ में, अपन रहे प्योर बैक बेंचर। प्योर बैक बेंचर मतलब अपना काम क्लास के अंदर में पंखे टेढ़े करना, ज्योमेट्री बॉक्स लेना, पेन लेना, तत्ता तत्ता, क्लास की सबसे पढ़ाकू लड़की को चिढ़ाना, बहन जी बिल्कुल, उसका तार जोड़ना किसी के भी साथ। अपना काम होता था पीटी टीचर का इंग्लिश टीचर से जोड़ना, साइंस टीचर का इंग्लिश टीचर से जोड़ना, सॉरी पीटी टीचर साइंस टीचर, ऐसा बेंच पकड़ के उसका हैंडल निकालना, ये अपने काम थे। मतलब क्लास का सबसे बकवास लड़का जिसको बोल सकते, उन कैटेगरी में हम थे, बराबर है, उन कैटेगरी में हम थे। मस्त ऐसा च्युइंगम लेके चिपकाना किसी ने ज्यादा होशियारी मारी तो, ऐसी हरकतें हमको बहुत सूझती थी। तो पर प्रॉब्लम क्या थी, ये जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये बाकी चीजों में सुधरे हुए नहीं होते। सो देयर वाज दिस गर्ल, तो हम लोग क्लास में भी, नाम से क्या करेगा तू काम धंधे अभी वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम ले लू तो उसका नाम ऐसे याद रखो, एक बेवफा जो मुझे छोड़ के चली गई। तो सुनो तो अब तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती हो, सुन तो, उसका छोटा भाई भी तेरी एज से छोटा है। सुनो तो पॉइंट ये है कि एट्थ में आप अपने को समझते हैं। अच्छा मेरा, मेरे केस में ना मैथ्स मेरा हमेशा से कमजोर, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज अपने को समझ में नहीं आता था। तो हम लोग जो टीचर होती थी क्लास टीचर, उसमें भी हम लोग साथ में थे, बैठते भी आजू बाजू थे, तो मस्ती चालू हो जाती थी, ठीक है। अब अपन बैठे बैक बेंचर, कभी लड़कियों के बाजू बैठने का, अच्छा हमारे लिए सजा मतलब ये नहीं होती थी कि क्लास से बाहर निकले, सजा मतलब दो लड़कियों के बीच में बैठा दिए। ऐसे जो हमारे जैसे लड़के होते ना, इनकी सजा ये नहीं होती कि क्लास से बाहर निकल, क्लास से बाहर निकाला हम ग्राउंड में भगते थे। हमारे को अगर लड़की के बीच में बैठा दिया, सफोकेशन होता था, समझ ही नहीं आता था सांस कैसे ले, सांस नहीं आती थी हमको, तब इतना समझता नहीं था, आज बैठाओ तो वैसा वाला सिचुएशन था मालिक। तो सिचुएशन ऐसी थी कि एट्थ में एक दिन ना उसने, अच्छा अब सिंस क्लास के बिगड़े हुए लड़के थे, तो क्लास के जितने भी काम रहते थे, सबको असेंबल करो, ये करो, वो करो, सब काम हमको मिलते थे। तो एक पर्टिकुलर दिन इसने अपनी चार पांच तितलियां जो इसके साथ में रहती थी, राइट, तो उनको बोला कि यार अपन बात करते, बोले। तो इसने मेरे को बोला, विजय बोले रुक, क्लास के बाद रुकना। ऐसे टाइम पे जो अपने दोस्त होते हैं ना, वो हद हरामी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसने चुपचाप मेरे को बोलना था, इसने सबके सामने बोली, सारे बैक बेंचर लौंडे, सारे बैक बेंचर भी लाइक, ए रुकने बोली फिर, एंड दैट टू वो मराठी, वो नागपुरी मराठी, अरे तिला सांगितलं रे बुरु काय ना कसं ना, अरे अरे बापू काय झालं, काय केलं बिजू, पागल है कि कुछ नहीं किया, ये कंप्लेंट कर रही है टीचर से। तब तक मेरे को समझता ही नहीं था लपड़ा क्या है, समझ में आ रही बात। तो अपन कभी इसमें रहे नहीं, अपन रहे मस्तियों में, इस चीज में तो कभी रहे नहीं। तो उसने रुकने बोला, दोस्त इतने हरामी, कोई स्कूल के पेड़ पे चढ़ के बैठा है, कोई चर्च के पीछे है, कोई पार्किंग में खड़ा है, कोई उधर वहां पे सुसु किया जा रहा है, वहां से ऐसे देख रहा है, इतने हरामी सबके उधर, और सब चिढ़ा रहे उधर उधर से। तो ऐसे ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर हम खड़े थे, वो खड़ी थी, मैं खड़ा था, मेरे साथ एक दोस्त था, उसके साथ चार पांच तितली खड़ी थी। तो उसने मेरे को बोलना चालू किया, बोले देख विजय कैसा है, एक्चुअली मतलब अपन साथ में रहते हैं, एंड मैडम ने भी डायरेक्ट बोला नहीं, और मैं इतना झंडू, मेरे को समझ आए नहीं ये बोल क्या रही है। बोले कैसा है, अपन साथ में जाते हैं तो मेरे को काफी अच्छा लगता है,
मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बोल क्या रही, डायरेक्ट बोल नहीं रही। अरे तब तक के इतने लफड़े समझते नहीं थे, आपके जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, ये सब होता क्या है। सो बोला यार, बोले नहीं कैसा है, अपन क्लास में होते हैं, अपन साथ में होते हैं, सो मेरे को काफी अच्छा लगता है, ऐसा प्रोटेक्टेड सा फील होता है। फिर ये वो मैं अबे सुन तो बे, मोमेंट तो यहाँ है, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं बोला अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, तेरे को चाहिए क्या, तेरे को कोई परेशान कर रहा है, मेरे मैं इतना झंडू कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोला तेरे को चाहिए क्या, तेरे कोई परेशान कर रहा है, थे तो अपन रावड़ी। मैंने बोला तेरे को कोई परेशान कर रहा है, तेरे को कोई मारा, इशू बता क्या है। तो बोले नहीं इशू कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे को ये बोलना है कि मतलब आई फील गुड। तो बोला हाँ मेरे को भी अच्छा लगता है, उसमें क्या है, आगे बोल। हम मेरे को झंडू को समझ ही नहीं आ रहा, दीदी बोल कह रही है, अरे किसी की तो दीदी होगी ना। मैं बोला दीदी बोल क्या रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ। तो फिर वही नौटंकी करते, ठीक है छोड़ मैं बाद में बताती। वो चले गए, उसके पीछे पांच तितली चले गए। ऐसे की इसमें ना होता क्या है पता है, तुमको समझ नहीं आता पर तुम्हारा दोस्त को सब समझ आता। जैसे वो गई बोले क्या कांड हो गया। बोले हमारे ग्रुप में ना एक लड़का था, उसको शेमड़िया करके चिल्लाते थे, उसको शेमड़िया करके चिढ़ाते थे। बोले भाई तो शेमड़ियाचा माल लवे विजयचा हुए। बोले शेमड़िया का माल नहीं विजय का है भाई ये। बोले क्या, वो भाई प्रपोज करके गई इसको। मैंने बोला ये कब बोला उसने। ऐसे मामलों में ना, मतलब मैं आपको बताऊं, आपको ऐसी जगहों पे सिर्फ आपका दोस्त ही घुसाएगा, आपका नहीं दिमाग चल रहा होगा। भाई उसने ऐसा बोला है, उनको ऐसा समझना है उसमें। मैंने बोला तू बोल क्या रहा है भाई, उसने ये कब बोला, और क्या बोली तेरे मुंह पे बोल के गई ना, तेरे को समझ नहीं आ रहा। और भाई ने उस रात मेरे को दी एक्सपर्ट ओपिनियन। वो अपने दोस्त होते हैं ना साले, खुद से तो कुछ होता नहीं, दूसरों को भयानक एक्सपर्ट ओपिनियन निकालते। तो दूसरों भाई मेरे को रात भर बैठा के घर पे झूठ बुलवाया, हम रात में स्टडी कर रहे, हम स्टडी कर रहे भाई। अब वो तेरे को ऐसा बोलेगी कि तेरे को ऐसा बोलना है, फिर वो ये करेगी तेरे को ऐसा करना है। भाई मेरे को पूरा एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जा रहा। मैं बोला आई ला इसने ये कब किया। इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा खरे नीचे, इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, यार रख पे नीचे ये आदमी वीडियो। अरे तुम लोग वीडियो छोड़, मोमेंट को एंजॉय करोगे। सो लोग, मैंने बोला यार अब क्या। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब इसके पहले तक कि मेरे को समझता ही नहीं था, इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, वो जानबूझ के आकर के बाजू बैठ रही है, मैं इधर बेंच के कोने में बैठा तो वो भी लास्ट बेंच के कोने में बैठ रही है, टिफिन ला रही, अपना टिफिन खिला रही। मेरे को बाद में समझ में आया जब दोस्त ने समझाया, मैंने बोला ये तो नॉर्मल रहता, उसमें क्या है। तो तब मेरे को समझ में आया, इट टुक मी 2 इयर्स टू अंडरस्टैंड कि ये सब लफड़ा है क्या। मेरे को नहीं मालूम था भाई, और इतना मिलना कहाँ मिलता था यार, स्कूल में रहते थे साथ में, वो भी स्कूल हुआ चले जाते थे, स्कूल के बाद मैं उसको साइकिल पे उसके घर तक के छोड़ने जाता था, फिर मैं मेरे घर पे आता था। मेरे को पता ही नहीं था लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अपन बहुत नॉर्मली ले रहे लाइफ में, तब तक के आइडिया भी नहीं था। इसके बाद आया 12th। ना 12th में मेरे लाइफ के सिचुएशंस बहुत चेंज हो गए, आखिरी लेक्चर में सब समझ में आएगा तुमको। तो 12th में मेरे लाइफ के सिचुएशंस बहुत चेंज हो गए, मुझे मेरे घर से भागना पड़ा। तो मैं जब मेरे घर से भाग रहा था, अब इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज साथ में करते थे, नाश्ता वगैरह करने साथ में जा रहे, कोई प्रोजेक्ट है साथ में बना रहे, सारी चीजें ऑलमोस्ट साथ में की जा रहे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ साथ में होता, फ्रेंड्स वगैरह भी कॉमन थे। इसके बाद क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं घर से निकला, जब मैं घर से निकला तो मैं सबसे पहले उसके पास गया। मैंने बोला यार देख ऐसा सिचुएशन हो गया और मेरे को जाना पड़ेगा, बोला मेरे को घर से मतलब निकलना पड़ेगा और मैं यहाँ से जलगांव जा रहा हूँ, तो आई एम लीविंग एंड आई एम गोइंग टू जलगांव, और ऐसा सा सिचुएशन है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं वापस
आऊंगा नहीं आऊंगा या कब आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बोला अभी, बट दिस इज अ सिचुएशन, मेरे को तेरा सपोर्ट चाहिए। इसके बाद के जो कन्वर्सेशन उसने किए ना, मैं पूरा हिल गया। उन्होंने विजय मेरे को एक बात बता, बोले ये सब ना पिक्चरों में अच्छा लगता है कि तुम अपने घर से निकल जाओगे बिना किसी सपोर्ट के, यू नो, बिना किसी सपोर्ट के तुम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, कुछ बहुत बड़ा नाम कर लोगे, कुछ बहुत बड़ा पैसा बना लोगे, तो पिक्चरों में अच्छा लगता है, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता, बोले। एंड बोले देख मैं गरीबी में लाइफ नहीं बिता सकती, बोले, मतलब जब तेरे पास घर भी नहीं रहेगा, तेरे पास कुछ ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, बोले। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो इस रिलेशनशिप का लॉजिक क्या है, बोले। आई कैन नॉट लिव माय लाइफ लाइक दिस। एंड बोले एक बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर तेरे को समझना चाहिए कि जहां है वहां रहे, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख अपन साथ में थे, आई फील प्रोटेक्टेड, मेरे को कोई परेशान नहीं करता था, एंड हम साथ में घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, अब ये सब है ही नहीं तो फिर इस रिश्ते का क्या लॉजिक है, बोले। एक प्रॉब्लम क्या है बताए यार, अपन ने पहली बार इस तरह की कोई चीज की है, जब आदमी फर्स्ट टाइम कोई चीज करता है ना तो काफी अटैचमेंट्स में होती है, क्योंकि आप पहली बार किसी के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो जो आपने कभी किसी के साथ किया ही नहीं है। सो फर्स्ट टाइम वाली जो सिचुएशन होती है ये हमेशा बहुत यूनिक होती है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे वो फर्स्ट लव हो, ऐसा ऐसी बात है, आपने पहली बार किसी के लिए कुछ फील किया, पहली बार कुछ इच्छा हो रही है आपकी, कुछ आपको उसको यू नो रिस्पेक्ट करना चाह रहे हो, आप उसको कुछ अलग नजरों से देख रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बोला यार इस चीज का क्या मतलब है, बोले विजय जब पैसे ही नहीं है तेरे पास एंड यू आर नथिंग, सो देयर इज नो वर्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप, अब तेरे को लाइफ किधर लेके जा रही है, मेरे को लाइफ किधर लेके जा रही है, क्या पता। मैंने बोला यार मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ तेरे को मेरे साथ भागना है, मैं सिर्फ तेरे को ये बोल रहा हूँ कि यू बी देयर, सपोर्ट चाहिए मेरे को और कुछ नहीं। तो बोले नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बोले। तो मैंने बोला आप क्या, यू कंटिन्यू योर लाइफ, आई कंटिन्यू योर लाइफ, बोले ये इसका कोई मतलब तो है नहीं, बोले, और ये सब जो तू करने जा रहा है हीरोफिक इफेक्ट कि भैया कुछ जीरो से कुछ बन जाएगा, कुछ अपने दम पे कर लेगा, ये सब फालतू की बात है, देख लेना तू एक महीने में वापस आएगा। एंड आई कैन नॉट लिव माई लाइफ लाइक दिस, आई कैन नॉट बी पुअर, तो जब तेरे पास कुछ है नहीं तो इट्स बेटर टू कॉल ऑफ हियर। मतलब वो ऐसा दिन था जब मेरे से मेरे घर वाले छूट गए, एक लड़की को लाइक कर रहा था वो छूट गए, मतलब वो अचानक से होता है ना, कोई बिगड़ेल लड़का है और वो अचानक से उसको रियलाइज होता है कि उसने बिगड़ करके कुछ बहुत अच्छा नहीं किया था, मतलब ही हैज नथिंग नाउ, एक फैमिली थी वो खत्म हो गई, रही नहीं रादर, या उसको अब सपोर्ट करने के लिए नहीं रही, दिस इज द राइट वर्ड, माई होल फैमिली इज इन नागपुर, देयर इज नो रीजन व्हाई आई एम इन पुणे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो एक ऐसा मोमेंट था जब वहां से निकला एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, अ बैड बॉय लिटरली क्राइंग फॉर एवरी गुड रीजन, यार एंड आई वॉज प्योर ममाज बॉय, और आज भी प्योर ममाज बॉय, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूं, मेरे से दो बड़े भैया है, तो जिम्मेदारी नाम की चीज कभी समझी नहीं, क्योंकि दो बड़े भैया थे और छोटे होने के अपने परक्विजिट अलग है, जो छोटे होते हैं ना इनको दुनिया के सारे सुख है, जितने लफड़े सब बड़ों के साथ है, छोटे सिर्फ खुशी रहते, इनके साथ में दुख नहीं होता, क्योंकि मम्मी पापा से प्रोटेक्टेड होते हैं, बड़े भाई भाई बहनों से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इनके ऊपर कभी वो जिम्मेदारी वाली नाम की चीज ही नहीं आ रही है, समझ आ रही है, पहले बड़े भाई को प्रूव करना है तो छोटे भाई को प्रूव करना है, उसने प्रूव ही नहीं करना तो उनका तो सवाल ही खत्म, समझ आ रही है बात। सो बहुत ईमानदारी से लाइक करता था यार, ऐसा नहीं है, और पहली बार किसी के लिए फील किया, फीलिंग भी दो साल बाद समझ आया था फील क्या करना है, तब तक तो मेरे को समझता ही नहीं था उसको बोलना क्या है, उसके साथ बिहेव कैसा करना है, मेरे को समझता ही नहीं था ऑनेस्टली कि बिहेव कैसे करना है। सो मैं जलगांव के लिए निकला भंडारा से, जब मैं भंडारा से जलगांव के लिए निकला पूरा ट्रेन में रोता रहा, एंड आई वॉज लाइक यार सब खत्म हो गया। सो कई बार ऐसा होता कि जब जलगांव में होता है, देयर इज एन एमजे कॉलेज, वहां पे जलगांव वालों को पता होगा एमजे कॉलेज करके,
मेरे काफी बहुत बेहतर दोस्त थे, मतलब दोस्त बने वहां पे, बहुत बेहतर दोस्त थे, पर उनके साथ ये चीज शेयर नहीं कर पाता था क्योंकि उनको मेरे बारे में पता नहीं था। जितने मेरे दोस्त रहे उन सबको मेरे बारे में पता है, नए दोस्तों को मेरा पता ही नहीं है कुछ, तो मैं उनको बोलता क्या। हालांकि उनके साथ टाइम बिठा के बहुत अच्छा लगता। जैसे एक जामू है, मैं उसको जामू बोलता हूँ, नीतीश मनियार नाउ माय पार्टनर इन सीए। एक है नितेश महाजन, नाउ माय पार्टनर सीए। हम लोग सात दोस्त थे, एक के साथ बैठते थे, सातों के सातों सीए, सातों के सातों 10 साल से पार्टनर है। तो पैसा वाला सिचुएशन है। तो जितने मेरे, फिर एक परेश काबरा करके है, राइट, इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। आज वो फाइनेंस के अंदर में, हमारे जितने फाइनेंस है सातों के वो हैंडल करता है। तो इस तरह से ऐसा पूरा ग्रुप हमारा था, बट इनको कभी बता ही नहीं पाते थे क्योंकि हर एक जन अलग अलग जगह से आया, कोई जामनगर से आया, कोई भुसावल से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया। इतना तकलीफ होता था क्योंकि कॉलेज में, एमजे कॉलेज में किसी को देखते थे, एमजे कॉलेज जो जलगांव का है, थोड़ा सा कॉलेज में दिखाया जाता है वैसे, पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा वाला कॉलेज है। थोड़ा प्रीमाइसेस ही इतना बड़ा है कि कौन किधर घूम रहा है किसी को पता नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी को साथ में देखते थे सारा, वो बिल्कुल फोमो जैसा होता था कि यार ये सिचुएशन हमने भी यू नो एंजॉय करी है। मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, जैसे पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल वो उसी का प्रिपरेशन भी है, ऊपर से कोरिएंडर मत डालना। तो ये सब याद आता था, जितनी बार देखते थे सब याद आता था। ऐसे बुक पढ़ने जाता था, बुक के अंदर में उस ख्यालों में घूम रहा हूं मैं। कैलकुलेशन कभी करते जमते ही नहीं थे क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करना होता था वो करती थी, मैं तो सिर्फ बुक सबमिट करता था। तो मेरे को कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आते थे, कैलकुलेशन चल क्या रहे। तो ऐसे बहुत सी चीज होती थी। मैंने 7 से 8 बार उसको फोन किया, आंटी आई फोन पे वो कभी फोन पे आई भी नहीं। मैं मेरे घर पे फोन करता था, 4.5 साल मेरे को मेरे मम्मी से बात करने नहीं मिली, 4.5 साल मेरे को मेरे मम्मी से बात करने नहीं मिली। फोन जाता, फोन लगता, फोन कट कर दिया जाता। तो मतलब वो ऐसा पीरियड था जहां पे आई वॉज लेफ्ट आउट टोटली, कि कुछ समझ ही नहीं आता था करना क्या है। दोस्त थे नहीं जो समझा सके भाई सिचुएशन में करना क्या है। दोस्त वो थे जिनने कूदा तो दिया था, संभालने वाला कोई था ही नहीं। मैं मेरे दोस्तों को फोन करता था, भाई प्लीज यार उसको मैसेज दे, एक बार बात तो करे, मैं इस टाइम पे इस जगह पे फोन के पास रहूंगा, उसको बोले एक बार बात करे। कंटिन्यूसली 2-3 महीने ये किया मैंने। 2-3 महीने बाद मेरा एक जो दोस्त था, अच्छा हर्षु करके था, उसने मैंने फोन किया, बोले विजय एक बात बोलने। मैं बोला, बोले तू हर बार फोन करता है लेकिन हम तेरे को बता नहीं रहे थे, पर मेरे को लगता है कि अभी तेरे को बता देना चाहिए। मैं बोला क्या? बोले पांडे। पांडे वॉज द सेकेंड बैड बॉय आफ्टर मी। पांडे वॉज द सेकेंड बैड बॉय आफ्टर मी। तो बोले पांडे। मैंने बोला पांडे क्या? बोले बस भाई पांडे, समझ लिया अब तो। द देन मेरे को समझ में आया, वो जो बंदी है उसको एक बंदा चाहिए था जो उस पर खर्चा कर सके, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, बॉडीगार्ड, समझ आ रही है बात, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि हर लड़की ऐसी होती है, मैं बहुत श्योर हूं क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर को देखा है, मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने पल्लवी को भी देखा है, मैं जानता हूं लड़की ऐसी नहीं होती। व्हेन आई सी हर एंड आई सी पल्लवी, मेरे को यू नो यूनिवर्स और जमीन के पाताल का फर्क समझ आता है, जमीन भी नहीं, यूनिवर्स और पाताल का फर्क समझ आता है। कि एक लड़की जिसने कभी मांगा ही नहीं कुछ, और एक जिसने कभी रुका ही नहीं कुछ। So, ये वाला सिचुएशन था। तो मैं बहुत बार ऐसे रात में बैठ करके सोचता था क्योंकि मम्मी पापा की भयानक याद आती थी, कुछ नहीं हो पाता था, बात ही नहीं कर पाते थे, सिचुएशन थी नहीं कुछ कर लूं, पैसे थे नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं थे। जब ये पांडे वाला सिचुएशन हुआ ना, मेरा भयानक, मतलब जिसको बोलते ना दिल टूटा वाला सिचुएशन, उस दिन ना मेरा दिल टूटा। उस दिन मेरे को लगा कि भाई साहब, मतलब यार मैं 4 साल से किसी का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, प्यार से ज्यादा तो रिस्पेक्ट था यार, कि किसी ने तो अपने को सिलेक्ट किया इस सिचुएशन में। मैं बोला यार, वन फाइन डे भयानक रोने के बाद ना मैंने एक चीज अपने आप से पूछी, क्यों बाहर है, यहाँ क्यों है तू? मैंने बोला यार तू करियर के लिए यहाँ पे है। मैंने बोला देख, जब कोई चीज को, जब बहुत डीप बात कहने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनना,
जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना तो अपने ही छूट जाते हैं, इसको कोलैटरल डैमेज कहा जाता है आर्मी के शब्दों में। जब आप अपने लिए कुछ करते हो, जब आप अपने देश के लिए कुछ करते हो तो अपने साथी वालों की भी जान जाती है, इसे कोलैटरल डैमेजेस कहा जाता है। मैंने कहा यार मैं भी किसी चीज के लिए निकला हूं और मैं अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या विजय तू गलत है? मेरे को जवाब आया नहीं, मैं गलत नहीं हूं, मैं मेरे करियर के लिए कुछ करना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं मैं कुछ बन जाऊं मेरी लाइफ में। और इस चीज में कई चीजें छूटेंगी, अपने छूटेंगे, अपने परिवार वाले छूटेंगे, अपने दोस्त छूटेंगे, सब छूटेगा। ये एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। कोई भी आदमी को आज तक सक्सेस ऐसे ही नहीं मिली है, उसको बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है जो सबको चाहिए। बात समझना, अगर आपको वो चाहिए जो सबको चाहिए तो आपको वो छोड़ना होगा जो सब होते हैं। तो ये बहुत बेसिक रूल है कि आपको सब छोड़ना पड़ता है। तुम यहां पे बैठे हो, तुम भी तो सब कुछ छोड़ के आए हो, तुमने भी सब कुछ छोड़ा है। सो आफ्टर दैट मैंने कंप्लीट किया सीए कंप्लीट। जब मैं सीए फाइनल में था, मेरे डैड आए 4.5 साल बाद पुणे। सब कनेक्ट होगा एंड के दिन पे, समझना। मैं गया, बोले दादी की तबीयत खराब है, नागपुर चलना है। होता है ना किसी की तबीयत जान अटक जाती है, निकलती नहीं किसी को देखे बगैर, वैसा वाला सिचुएशन। मैं गया नागपुर, दादी 1.5 घंटे बाद ऑफ, मेरे लिए रुके थे शायद मेरे को देखने के लिए। फिर वहां गया मैं 4.5 साल 5 साल बाद मम्मी से मिल रहा था। वो दादी का तो ठीक था, मम्मी रात को मेरे को ही गले लगा के रो रही है बहुत देर तक गया। एंड फिर मम्मी ने बोला कि तेरे को 13 दिन किधर ही नहीं जाना है। 13 दिन बाद जब मैं रेडी हुआ वापस आने के लिए पुणे, उन्होंने बोला तेरे को जाना ही नहीं है, नहीं जाएगा अभी तू। बोले यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने जितना बैग सूट के सब रहता वो नागपुर भिजवाया, और ऑनेस्टली मेरी भी इच्छा नहीं हुई जब मम्मी ने बोला वापस आने की। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन नागपुर जब मैं खुद सीए फाइनल में था। सो आई स्टार्टेड टीचिंग नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग सीए, आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज सीए फाइनल। एंड दैट्स व्हाई आई हैव दैट मेटाफर टू अंडरस्टैंड कि मेरे ऐसे एवरेज बच्चे को समझ कहा नहीं सकता है। इसीलिए जो आप देखते हो ना जी हरकतें, ये एक दिन का गेम नहीं है, ये तब से गेम है जब मैं कुछ स्टूडेंट था कि यहाँ पे ये बच्चे को इस तरह से ही लाना पड़ेगा तो फिर कंप्लीट। अब देखिए सर पुणे में क्या होता है, एक ही कॉम्प्लेक्स में सारे क्लास है, तो जितने एडवर्टीजमेंट है हमारी इधर ही है, कहीं बाहर नहीं। नागपुर ऐसा नहीं, नागपुर बहुत छोटी जगह है, तो जितने टीचर के एडवर्टीजमेंट लगते हैं वो ऑन रोड लगते हैं। तो क्लासेस कंप्लीट करते वक्त मेरा सीए हो गया, सीए के साथ साथ सीएस फाइनल में था मैं, और बाहर ऐसे बोर्ड लगते थे, मैं 21 के अंदर मैं सीए हूँ, सीएस फाइनल में हूँ, LLB सेकंड सेम में हूँ, UPSC का प्रिपरेशन में बैठा हूँ। तो बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। अब किसी ना किसी दोस्त के कोई ना कोई रिलेटिव सीए में तो है ही, तो वो अपने पास था ही। एंड 21 के अंदर में मेरे स्कूल वाले जितने थे वो कुछ नहीं थे। सीए कंप्लीट हो गया तो बोर्ड लगता था सीए विजय साडा, भंडारा नागपुर 45 मिनट का रास्ता है, और भंडारा में ऐसे कुछ है नहीं, तो जितने भंडारा के लोग है वो सब नागपुर में रहते, तो सारे दोस्त देखते थे कि मैं यही हूं। तो एक दिन दोस्त मिला, बोले भाई रीयूनियन प्लान कर रहे हैं, मिलना है। मैंने उसको बोला भाई सुन, वो नहीं आ रही तो मैं आ रहा, और अगर वो आ रही तो मेरे को आना ही नहीं है, सिंपल है। बोला अरे नहीं नहीं, बोले वो नहीं आ रही तू आ। डिसाइड हुआ, मैं अकेला सीए था, बाकी कुछ इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ बीकॉम वाले थे, कुछ डॉक्टर वाले थे, तो सबका कुछ ना कुछ चालू था, आई हैव कंप्लीटेड वाला पार्ट था। गए ऐसे टेबल वगैरह थे, अच्छा रेस्टोरेंट था, टेबल वगैरह थे, सब बैठे थे, सब बात कर रहे थे, इतने में राइट कंधे पे हाथ आया। अब हाथ पहली बार तो लगा नहीं था, हाथ पहली बार तो लगा नहीं था, जो समझना है क्या है और क्या नहीं है। मैं तुरंत दोस्त की आंखों में देखा, बोले भाई एक्सट्रीमली सॉरी, ये उसी का प्लान था और उसको वो 8th वाला सिचुएशन वापस करने का है। तो भाई बोले प्लीज तू बात समझ। मैंने उसकी आंख में आंख डाल करके बोला, मैं बोला 5 मिनट से ज्यादा ना इधर रुक मत जाना, जो चीज मिलेगी उससे पकड़ के मारूंगा, बोला तो। और दो प्यार भरे शब्द कहे सबके सामने, सब बैठे ही थे, उसकी 5 तितली अभी। मैंने बोला इधर से निकल जा,
मैं सीए ना अभी भी सिर्फ डिग्री से हूँ बोला। मैं आज भी उतना ही बेकार हूँ जितना तूने मेरे को स्कूल में देखा है। तुरंत निकल बोला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे, अगर मिल गया तो तेरे कपड़े तक नहीं छोड़ूंगा मैं बोला, तो निकल जा यहाँ से बोला। बोले भाई सॉरी ऐसा वैसा, बोले दिख मत जाना मेरे को, पूरे नागपुर में मेरे को कहीं मत दिखना तू बोला, नहीं तेरे को जहां मिलेगा तू पकड़ के दूंगा मैं तेरे को। नहीं नहीं रे, दोस्त को जिसने मेरे को इसमें बुलाया था। समझ रहे हो तुम, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं जिस दोस्त ने मेरे, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बोला था भाई अगर वो नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूं, वो नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूं, यही इसको तो निकाल दिया गाली दे करके। फिर पलटा, मैडम चालू पड़ी, हाय विजय कैसा है तू, गले गले लगी, ठीक है ओके आगे बोल। बोले कैसा है तू, कितना चेंज हो गया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे ऐसा लेमन जूस आया हुआ था, लेमन सोडा रादर, मैं वो ऐसा सामने बैठी हुई तितली बाजू खड़ी हुई सब। बोले विजय आई मिस्ड यू अ लॉट, इतने सालों तक के मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, मैं भी नहीं रह पाई, जबकि मेरे को पांडे पता था, मैं भी नहीं रह पाई। मैं उतारा नीचे रख रहा, नहीं 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 मैं चाहता था कि वो उस टाइम लेमन जूस ना हो बस, पर वो एक्चुअली लेमन जूस था। मैं आज ऐसा विश करता हूं काश वो लेमन जूस ना होता। तो मैंने बोला बताना क्या इशू है। बोले नहीं एक्चुअली मुझे, आई ऑलवेज लाइक्ड यू एंड मिस्ड यू एंड आई वेटेड फॉर यू लास्ट 4 years। और मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। एंड देन शी सेड, बोले विजय तू बता अगर मैं उस टाइम ऐसा ना करती तो तू यहां पहुंच पाता क्या। कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़की का, कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़की का। मतलब फाउंडेशन पढ़ा मैंने, इंटर पढ़ा मैंने, TT IIT पढ़ा मैंने, कॉस्टिंग पढ़ा मैंने, फाइनल क्लियर किया मैंने, और ये ऐसा ना करती तो मैं ना बनता। गजब गजब गजब। बोले मैं ऐसा ना करती तो तू कभी ऐसा बन पाता क्या। मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तेरे इस एंडेवर में, और अपना चालू मन कर रहा था ग्लास ही फोड़ू उसके सर पे, मन में शांत था। सीए ने बहुत कुछ सिखाया था, पेशेंस सिखाया था कि क्लाइंट की पहले सुनते रहने का। तो सुन रहे हैं, बोले बोले तेरी लाइफ में भी कोई है क्या, मतलब तेरे को क्या करना है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस नाउ। मेरे लाइफ में कोई है कि नहीं, तेरे को क्या तकलीफ है भाई अभी। तो बोले नहीं, बिकॉज मैंने तेरे अलावा कभी किसी को सोचा नहीं है। आप नहीं आप समझ नहीं रहे हो, बात समझ रहे हो। सीए जैसे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मैं ये सुन रहा था, तो मेरा तो वैसे ही पेशेंस लेवल लूज था, मेरे को क्या करना है, मेरा तो एटीट्यूड में था। तो बोले मतलब देख यार, अब इन सब कोई बातों का मतलब नहीं है, आई हैव मूव डाउन इन लाइफ। एंड मैं देखो एक बात बताऊं, बोला अभी तक मैंने इतने पैसे कमाए नहीं है। सही समय जरूर आता है आपके बदले का, तब देना। मतलब यार अभी तक इतने पैसे कमाए नहीं है, थोड़ा सा और कमा लूं शायद, क्या है मैं तेरे को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वो कौन, बी कॉम, मैं कौन, सी
सीएस फाइनल बी कॉम एलएलबी सेकंड सेम यूपीएससी एस्पायरेंट। मैंने यार देख मैं अभी तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता, सिचुएशन ये है कि आई डोंट थिंक कि ये वर्कआउट हो पाएगा। और मैं बोला तू भी खुश रहे, नहीं तूने उस चीज को गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया। आई डिडंट मीन कि मेरे को पैसा चाहिए था, मेरे को घर चाहिए था, ऐशो आराम चाहिए था। अवन सिर्फ सुन रहे। फिर उसका वापस फिर रोना धोना चालू, जैसी उसका आंखों से आंसू गिरना चालू, बाजू वाली दो थी ये प्लीज। मैंने बोला क्या मतलब यार ये सब का, क्यों इतने नाटक कर रही है उसकी एक दो। मरे मेरे को क्या तकलीफ है, मरे मेरे को क्या तकलीफ, फर्क पड़ रहा है। देख बहुत डीप की बात में कहने का आ रहा हूं, समझ लेना। आदमी उस टाइम पे सबसे खतरनाक होता है ना, जब वो इस ये कह दे कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति भी ना तब उस टाइम पे खतरनाक हो जाता है जब वो ये कहते अब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस सिचुएशन पे था कि मेरे कोई या आज मर जाए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजू में स्विमिंग पूल है बोलो तो मैं मदद करूं। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तब तक के इतना फर्क पड़ चुका था कि अब कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सब हुआ। फिर वो रोना चालू करी, बोलना और ब्ला 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 ब्ला। फिर चार साल में ये हुआ वो हुआ, उसके घर पे ये हुआ वो हुआ सब सुना। मैंने बोला सुन, मेरे को ये शायद क्लास में नहीं बोलना चाहिए बट मैं ऐसे फ्रेंड आप सभी को बता रहा हूँ। मैंने उसको बोला सुन एक बात बोलो, तूने इतना सब बोल दिया, रोना धोना कर दिया। मैं बोला मेरा कंक्लूजन सुन, माई कंक्लूजन इज राइट नाउ आई विल रादर प्रेफर अ बिच रादर देन यू। मैं बोला ये मेरा स्टैंड है और मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ बोला तेरे को, ठीक है मेरे को अब कोई भी चलेगा तेरे को छोड़ दे, कुछ भी चलेगा बोला मेरे को, तो तू मेरा तो छोड़ ही दे बोला। तो जब ये बोला तो उसकी सारी एंड वो मेरे को समझा रही आंख दिखा रही, बोले बाजू हट आंख दिखा रही, वो भी मेरे को बाजू हट। तो फिर एक शिका करके थी वो आई, वो बोले विजय देख मेरी बात, वो तीन उसको उठा के लेके गए उधर कि नहीं उसका ऐसा मीनिंग नहीं। मैं बोला मेरा यही मीनिंग है सुन, कुछ गलत मत बोल उसको। फिर गए बोले नहीं विजय ऐसा है ऑनेस्टली, हमने उसको देखा है ऐसे तड़पते हुए, ये करते हुए वो करते हुए। मैं शिका बोला शिका सुन, तेरे को ये पता है उसने मेरे को क्या बोला था? तो बोले नहीं। मैं तेरे को ये पता है मैंने जाने से पहले उसको क्या बोला था? बोले नहीं। मैं तेरे को उसने ये बताया कि हमारी मीटिंग हुई थी? बोले नहीं। मैंने बोला तू एक काम कर, गाड़ी की चाबी ले और निकल। When you don't play the game, don't make the rules. जब तेरे को गेम ही नहीं समझता रूल्स काहे को बना रहे गेम के भाई? तेरे को कुछ मालूम है? और अगर नहीं मालूम है तो तू निकल बोला। तो फिर मैं भी उठ के जाने लगा। मैं बोला यहाँ पे बहुत टाइम पास हो रहा है, बहुत नौटंकी हो रही है, इज्जत की फजेती हो रही है, बोला राधर उठो और निकलो। मैं जाने लगा तो वापस आई, उसने हाथ खींची बैठाया, बोले किस बात का इतना घमंड है, सीए बन गया इसलिए इतना घमंड है ना, सीए को इतनी बड़ी चीज थोड़ी ने। बोल कौन रहा है? बी कॉम। बोल किसको रहा है? सीए। मैंने बोला ठीक है। मैंने पहली बार उसने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला एक आध अटेम्प्ट तो चलता है। एक आध अटेम्प्ट तो चल जाता है लाइफ में, एक आध अटेम्प्ट से कोई नहीं था। फिर बातों में ऐसा थोड़े न होता है ये वो सिचुएशन, और फिर वापस चालू पड़ गई वो। मैंने बोला तूने कॉल क्यों नहीं किया, अगर इतना ही सब था तो कॉल करती है, तेरे को जब मैसेज पूछाया गया था। बोले अगर मैं करती तो तू कमजोर पड़ जाता। पहला कमजोर, दूसरा मैं। अरे तो कमजोर पड़ जाता, तेरा कुछ ये नहीं हो पाता, एंड दैट्स व्हाई मैंने एक तो तेरे भले के लिए सोचा और आज मेरे ऊपर ही ये सिचुएशन आ रही है। इतना सब होने के बाद मैंने बोला और बता पांडे कैसा है, पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक के पांडे और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
तब तक के पांडे और ना बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. रीजन बिंग एक चीज नहीं नहीं रीजन बिंग पांडे ने चालू करने से पहले मेरे दोस्त के थ्रू मेरे से बात की थी. पांडे ने चालू करने से पहले ही मेरे से बात करी थी कि बॉस भाई ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा है. और आई अपफ्रंटली सेड टू पांडे, मैं बोला देख पांडे तेरे को अपफ्रंट एक चीज बोल रहा हूं, इसने मेरे को डम किया तो तेरे को भी डम करने से रुकेगी नहीं. अपफ्रंट बोल रहा हूं, जिस दिन उसको पता चला कि तेरे से बेनिफिट खत्म है तो पिक्चर से आउट है. बोला बोले भाई बस अपना भी पर्पज वही है. मैं बोला ओके गो अहेड. ओके गो अहेड बिंदास गो अहेड. बोले भाई बिंदास गो अहेड, कोई तकलीफ नहीं लाइफ में अपने को, अभी बहुत सुकून है लाइफ में अब. सो इसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरी बार बोलने की गलती कर दी. बोले किस बात का कमेंट है, सीए बन गया तो इतना. मैं ऐसे ग्लास ही उठाया था, सीए बनने का इतना कमेंट, मैंने ग्लास रखा. बोला हाँ है, ये ना बहुत मेहनत से लिया है, दिन गवाया है, रात गवाई है, और मैंने अपने गवाया है तो ये डिग्री मिला है. और अगर इस चीज का घमंड होना चाहिए तो मेरे को इस चीज का घमंड है, और ये एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ खोया है. इसको पाने के लिए ना मैंने बहुत कुछ खोया, मेरे को मालूम है मैंने क्या खोया है. बोला जब कोई भी नहीं था ना मेरे पास, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तो मेरे पास तू भी नहीं थी. बोला समझ में ही बात, मैंने तेरे से आके सिर्फ एक चीज मांगी थी कि साथ रख, मैंने और कुछ नहीं बोला था तेरे को. बोला तेरे से वो भी नहीं हुआ उस टाइम, तू मेरे को पैसा बता रही थी. बोला अच्छा हाँ याद आया, पैसा ना, बात पैसे की है ना. बोला बोला कोई बात नहीं, अब तू देख मैं तेरे को पैसा कमा के दिखाता हूँ. बोला तेरे पूरे खानदान में किसी ने इतना नहीं कमाया होगा, मैं उतना कमा के दिखाऊंगा. बोला तेरे को ईमानदारी से, बात पैसे की है ना. बोला मैं तेरे को कमा के, और मैं तेरे को एक वादा करता हूँ. बोला पूरे हिंदुस्तान में तू जिस सिटी में रहेगी उस सिटी में मैं जरूर प्रेजेंट रहूंगा. बोला उस सिटी में मैं जरूर प्रेजेंट रहूंगा. है ना इंडिया दुबई और नेपाल में वर्चुअल हो जाता अपना, तो पूरे हिंदुस्तान में किधर भी बोल मेरा वर्चुअल तेरे को मिलेगा, तो जिधर रहेगी उधर रहेगा. दूसरा बात पैसे की है ना, मैं तेरे को दोनों हाथ से कमा के दिखाता पैसा कैसे कमाते हैं. अब समझा तुमको फावड़ा किधर से आता है, समझ में आया. क्योंकि मेरे को तब तक के इतना मैच्योरिटी बहुत सिंपल तरीके से समझ गया था कि आदमी के पास पैसा है ना तो उसको लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, और उसके पास नहीं है ना तो उसको कोई ध्यान घास नहीं डाल रहा. मेरे को तब तक ये बहुत अच्छे समझ में आ गया था. मैंने बिल्कुल अपने एम को क्लियर कर लिया, दोनों हाथों से पकड़ के जिधर से मिल सकता उधर से फावड़ा मारने का है, अब रुकने का नहीं है. फिर हुआ ये कि मैंने उसको बोला, मैं बोला देख अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं मेरे लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, और अब मेरे लाइफ में ना ये गोल ही नहीं रहा. मतलब यू नो एक टाइम था जब ये मेरे लिए गोल था, एक टाइम था मेरे लिए ये सब इंपॉर्टेंट था, और अब सिचुएशन अलग है. तो बोले मुझे भी पता है तेरा किसी के साथ कुछ है. मैं बोला है ना. और मैं तेरे को बताऊं जो है ना लड़की, बोला वो सीए है. तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट दैट. तो बोले क्यों, सीए रहेगी तो ही सिलेक्ट करेगा. तो वो गुस्से में भी, सीए रहेगी तो ही सिलेक्ट करेगा. बोला ऑब्वियसली पैसा कमाएगी ना, सी बात है पैसा कमाएगी ना भाई, मैं क्यों दिमाग लगा, पैसा कमाएगी सीधी सी बात है. अपन ने तो अरे भाई देखो लाइफ में ना तुमको लाइफ जरूर मौका देगी, जरूरी नहीं है हर चीज का रिप्लाई उस टाइम ही करना है. तुम एक चीज हमेशा याद रखना, और मेरे से और कुछ सीखो ना सीखो, मेरे से एक चीज जरूर सीखना, वो है पेशेंस. तुमने चुपचाप मेरे से एक ही चीज सीखना, वो है पेशेंस. जरूरी नहीं हर बेइज्जती का बदला तभी लिया जाए. लाइफ तुमको प्रॉपर मौका देगा वापस से पूरा भाई का, दादा का, सबका बदला लेने का. समझ आ रही है, सबका बदला लेने का मौका. तुमने सिर्फ शांत रहने का और वेट करने का. जरूरी थोड़े ना पहली बॉल अगर तुमको बाउंसर आई है तो दूसरी पे बाउंसर आएगी, दूसरे पे तुमको सिक्स मारने की भी तो कभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना. हमने वेट किया. फिर हुआ ये कि उसका छोटा भाई सीए करने आया, उसने अपने पेनड्राइव क्लासेस लिए. अपन हर बैच में ये बोलते हैं
वो अपनी बहन को बुला रहा, अरे दीदी दीदी विजय सर का स्टोरी आ रहा है, इधर इधर इधर। वो बंदा अपनी ही बहन को बैठ के उसी का स्टोरी सुना रहा है। मेरे को कैसे पता चला? बाद में दीदी का मैसेज आता है, जब इतना सब कुछ बोल दिया, इतना बदनाम कर दिया, तो नाम भी ले लेता, नाम भी ले लेता एटलीस्ट। आई जस्ट रिप्लाइड विद अ सिंपल वर्ड, पहले नाम तो बना। नाम तो बना पहले, तब तो बदनाम करने की बारी आएगी, पहले नाम तो बना ले। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे आपको क्या सीखना है? इससे आपको ये सीखना है, प्यार करना नहीं, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपका कॉल है। मैं कहूंगा करना चाहिए क्योंकि मेरा लव मैरिज रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन तुम में धमक है ना कि सामने वाले लड़के या लड़की को उसके घर से ज्यादा खुश रख सकते हो तो करना, नहीं तो टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, नहीं तो टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, करना है तो शिद्दत से करो, मोहब्बत ताकत से करो, और इतना जरूर जोर रखना कि साला फिर लाइफ के हर मोमेंट को साथ में एंजॉय कर पाओ, बिल्कुल हर मोमेंट को साथ में एंजॉय करने। अरे बहुत मजा आता है, पहले अपने खुद के घर के लिए जब कटोरी चम्मच जोड़ने जाओगे, पहला घर की पूजा करोगे, पहले घर लोगे, पहला टीवी लोगे, पहला वॉशिंग मशीन लोगे, और दोनों ने साथ में मिलके किया रहेगा, इतना भारी फील आएगा तुमको कि यार वाह क्या मजेदार चीज हुई है, राइट? पहली बार यू नो साथ में दोनों मिल करके दोनों के खुद के पैसे से अपनी शादी खुद के पैसे से कर रहे हो, ये जो फील है ना, ये फील ही अलग है। जैसे मेरे शादी के केस में पूरा पैसा पल्लवी ने लगाया था और मैंने लगाया था, हमने हमारे घर वालों का पैसा ही नहीं लगाया पूरा। उसने जितना कमाई थी सीए बनने के बाद और मैंने जितना कमाया था सब हमने लगाया। हर चीज खुद से डेवलप करने का मजा आता है, खुद के लिए कपड़े लेना, पहली बार एक दूसरे के लिए कोई ब्रांड खरीदना, पहली बार एक दूसरे के लिए कोई ब्रांड खरीदना, ऐसे एक 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 डेवलपमेंट होते हुए देखना, राइट? वो जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल मजा है, वो ये टाइम पास करने में नहीं है। आई हैव बीन इन टू 7 years लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद पल्लवी, 7 years लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। वो छत्तीसगढ़ में बैठी है, मैं पुणे में बैठा हूं। इस टाइम पे भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज पसंद थी कि वो एटलीस्ट बहुत ज्यादा लॉयल है और उसका डिमांड नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने उसको अपफ्रंट दो ही चीज बोली थी। मैं बोला एक तो अगर ये सोच के आ रही होगी कि मेरा ससुराल होगा, ये होगा, वो होगा, मैं बोला कोई फैमिली नहीं रहेगी, दूसरा मैं तेरे परिवार को भी इज्जत दे पाऊंगा कि उसकी गारंटी नहीं है, मेरे को मेरे फैमिली से कुछ। सी कोई भी आदमी जब ऐसा बनता है ना वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है। आज मेरा अगर आप देखोगे तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स अलग है, क्यों है? क्योंकि मेरे पास्ट कुछ ऐसे रहे हैं जहां पे मेरे को यू नो रुपए रुपए के लिए मोहताज होते हुए देखा है मैंने, जहां पे मैंने मेरी बेसिक चीजों के लिए मेरे को मरता हुआ देखा है। जब उसने बोला भी था ना कि क्या बदल गया है तेरे अंदर, वैसा ही तो है मेरे अंदर, क्या बदल गया? मैंने बोला तू जिस विजय को जानती थी ना वो जलगांव रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी आत्महत्या की कोशिश करके मर चुका है, बोला ऑलरेडी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करके जा चुका है, बोला वो तो जो तू देख रही है वो विजय नहीं है, बोला वो ऑलरेडी खत्म है, राजधानी एक्सप्रेस के सामने वो खत्म है। तो मैं जो तू देख रही है मैं वो नहीं हूं जो मैं हुआ करता था, तो वो सिचुएशन छोड़ दे, बोला। तो आपको सीखने वाली चीज ये है बेटा कि पहला कोई भी चीज करो शिद्दत से करो, दूसरा बेइज्जती का बदला लेने का सही मौका जरूर आता है, वेट करो, जरूरी नहीं है हर आंसर उसी टाइम पे देना है, गलत। एक क्वेश्चन पेपर जब बनता है ना तो आंसर शीट ब्लैंक आती है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है पहले बनने पे लिखना क्या है, क्योंकि आंसर शीट हमेशा ब्लैंक होती है, क्वेश्चन पेपर फुल होता है। दूसरा सर, ईमानदारी से अपने गोल, और कभी भी इस चीज को सिलेक्ट करने का मौका मिले ऑलवेज सिलेक्ट गोल, क्योंकि ये बाकी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। उसके अलावा यहाँ पे कई बच्चे हो सकते, देखो हम यूथ है, हमारे साथ में दिल टूटना बहुत कॉमन चीज है, बात समझना। आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं, कभी भी ना इस चीज को ओवर पावर मत होने दो,
रीजन बिंग, तुम्हारा माइंड ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कह रहा हूं ना, मुझको निकलने को 3.5 महीने लगे, जब पांडे सुना तब समझ आया। तो आपको भी ये लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, 50 बार लगेगा, हो सकता है 50 बार दिमाग में आए, 50 बार चीजें आए, याद आए, सब आए। पर बार बार मैंने अपनी बुक के आगे लिख रखा था, बुक के आगे लिख रखा था एक सवाल खुद से, व्हाई यू आर हियर। और जब जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं वापस याद आ रही है, मैं वापस बुक का वो पेज खोलता और वही देखता, व्हाई यू आर हियर, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। मैं नहीं तो कोई और कैसे जा सकता है यहाँ पे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। और आज मेहनत नहीं करनी है तो कब करना है, नॉट मी देन हु। तो ये सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछता था। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी ऐसा कोई सिचुएशन है तो बुक के पहले पेज पे लिख के रहो, चाहे ये फैमिली को लेके हो, पैसे को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, किसी प्यार को लेकर के हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुमने सिर्फ एक जगह दिमाग लगाने का, वो है गोल। बाकी सब चीज तुमको सही टाइम पे कसम से आएगी, कसम से आएगी। यस, अगर बुक रीडिंग करने का शौक है तो एक बुक जरूर रीड करना, द सीक्रेट नाम की बुक है। यस, ये बुक मेरे को बहुत शौक है। ये जब बुक आप रीड करोगे ना, ये बुक आपको यही चीज सिखाती है, पहला पेशेंस रखो, और दूसरा जो तुमको चाहिए ना ये बार बार बोलते रहो, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस। कुछ भी होगा ये पूरा यूनिवर्स तुमको वो चीज लाके दे देगा तुम्हारे हाथ में। यस, आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना कि पूरी कयामत, दिस इज अ पैरा विच इज रिटन इन दैट बुक, दिस इज अ पैरा विच इज रिटन इन दैट बुक। तो ये इस तरीके का सिचुएशन है। तो मालिक ऐसा वाला सिचुएशन है, वो था नहीं डिविडेंड, उसे माना गया था डीम डिविडेंड। यस, तो कैसा लगा आपको ये 45 मिनट आपने जो टाइम पास करवाया मेरा उससे, मजा आया नहीं?